मुझे रिसेंटली पुणेकर न्यूज ने अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। 2 दिन पहले ही पता चला पूना जाना था। और फंक्शन के लिए जाना है तो हम सबसे पहले स्किन को क्लीन कर लेते हैं। बरसात चल रहा है, बरसात में तो स्किन का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। घर में मैंने क्लीन अप किया, फेस पैक अप्लाई किया और इस प्रकार से टी बनाया जो स्किन को अंदर से ग्लो देने लगा। रातों रात मुझे काफी अच्छे रिजल्ट मिले, सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्किन का क्लीन अप किया। उसके लिए एक बोल में मैंने थोड़ा सा दही लिया और उसमें मैंने नीम के पत्तों को क्रश करके उसमें ऐड कर दिया और इससे मैंने हल्का सा चेहरे पर मसाज दिया 5 मिनट का। ये जो दही और नीम के पत्ते दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो गजब के रिजल्ट देते हैं हमारे स्किन के लिए, स्किन ग्लो बढ़ाते हैं। क्या होता है ना, बरसात चल रहा है तो हमारे स्किन पर इन्फेक्शन बढ़ता है और उसके कारण छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, दाग उभरने लगते हैं। लेकिन नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है और दही के साथ ये मिल जाते हैं तो ये हमारे स्किन पर गजब के रिजल्ट देते हैं। इससे डीप क्लींजिंग होती है, हमारे पोर्स में जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो खींच के निकालते हैं और इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकलने के कारण जो दाने उभरने की प्रॉब्लम होती है वो भी क्लियर हो जाती है। इसलिए मैंने दही और क्रश किए हुए नीम के पत्ते ये दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर 5 मिनट के लिए राउंड मसाज दिया और उसके बाद इसे वाइप कर दिया। नेक्स्ट मैंने फेस पैक बनाया। फेस पैक बनाने के लिए एक बोल में मैंने 1 स्पून एलोवेरा जेल लिया, 1 विटामिन ई की कैप्सूल तोड़कर इसमें ऐड कर दी और फिर से 4 से 5 नीम के पत्ते क्रश कर, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और ये जो रस बनता है वो भी मैंने इसमें ऐड करके ये फेस पैक चेहरे पर अप्लाई किया। 20 मिनट्स तक इसे अप्लाई करके रखा और फिर बाद में इसे वॉश कर लिया। ये जो तीनों चीजें हैं, विटामिन ई कैप्सूल, एलोवेरा और नीम के पत्तों का रस, ये तीनों चीजें हमारे स्किन पर गजब का रिजल्ट देती है। हमारे स्किन पर जो टैनिंग होता है उसे मिटाने के लिए, रिंकल्स फाइन लाइन जो होती है उसे मिटाने के लिए, ये सारी चीजें में ढेर सारे ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारा स्किन ग्लो बढ़ाती है, हमारे स्किन को हाइड्रेट करती है और स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाए रखने में ये फेस पैक जो है गजब का रिजल्ट देता है। मैंने जब पुना जाने से 1 दिन पहले ही ये फेस पर अप्लाई किया तो रातों रात मुझे इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले, मेरी स्किन काफी सॉफ्ट और मुलायम लगने लगी। अब लास्ट और बेस्ट आता है, स्किन को अंदर से ग्लो देने वाला बेस्ट टी। हम ऊपर से तो काफी कुछ लगा लेंगे लेकिन रात में सोने से पहले अगर ये टी आप पी लेंगे तो अंदर से भी आपकी स्किन रिपेयर होगी, मॉइस्चराइज होगी और आपकी स्किन रातों रात ग्लो करने लगेगी। इसे बनाने के लिए हमें 1 कप पानी लेना है और उसमें हमें ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी का अगर आपके पास बैग है तो उसे काट कर इसमें ऐड कर देना है। पाउडर फॉर्म में है तो 1 स्पून ऐड कर देंगे। इसमें हमें नेक्स्ट 2-3 तुलसी के पत्ते ऐड करने हैं और 1/2 से 1 स्पून सौंफ आपको इसमें ऐड कर देना है। तीनों चीजों को 2 बाफ आने तक अच्छे से उबाल लेना है और इसे छान कर रात में सोने से 5 मिनट पहले आपको इसे पी लेना है। तो ये स्किन पर जो भी इन्फेक्शन होता है, दाग धब्बे होते हैं या फिर स्किन को टाइट बनाने के लिए, स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करने के लिए इसके बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि ये टी पीकर आप रात में अगर सोते हैं तो रात में नींद में आपकी स्किन रिपेयर होने लगती है, बॉडी डिटॉक्स होने लगती है, बॉडी में जो भी गंदगी होती है, विषैले पदार्थ होते हैं वो सारे हमारे यूरिन के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। तो इसके कारण हमारी स्किन काफी ग्लो करने लगती है, काफी शाइन करने लगती है। एक ही रात में मुझे इतने बेस्ट इसके रिजल्ट मिले। मैं जब फंक्शन में गई तो सब मुझे पूछ रहे थे कि आप स्किन के लिए क्या करते हो, काफी मस्त मूड बन गया था। ऐसे ही अगर आप भी आपके स्किन का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारे टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं वो फॉलो करते हैं तो आपको भी रातों रात स्किन ग्लो बढ़ाने में, आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में इसके जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करते हैं और आपको भी स्किन में जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।